नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस एवं परीक्षा टेक में। मैं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए बहुत बड़ा उपहार लेके आया हूँ, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब आखिर आलोक सर फ्री बैच का घोषणा करेंगे। जी हाँ, वो समय आ गया है आपके लिए और इस बार रेलवे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ, जो पूर्णतः निःशुल्क होगा। वाकई में मानिए कि जो काम करोड़ों कमाने वाले संस्थाएं नहीं कर पा रही है, जो लाखों महीने में छाप रही है वो नहीं कर पा रही है, वो काम आपको आलोक सर आपका बड़ा भाई यहाँ पे करके दे रहे हैं, और वो है रेलवे भर्ती 2024 का फ्री बैच। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप ये बिल्कुल सही थंबनेल देखे हो कि इस गर्मी रेल कर्मी बनेंगे और इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ मैं बताने वाला हूं, जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इसमें मिलने क्या वाला है, और जब आप फ्री बैच का नाम सुनते हो तो थोड़ा सा आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, साथ में चिंताएं भी आ जाती है। आपकी चिंताओं के बारे में भी जिक्र करेंगे, आपकी क्यूरियोसिटीज के बारे में जिक्र करेंगे, आपको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, क्या टाइम टेबल होगा और किस प्रकार से हम आपका जो यहां पे बोल रहे हैं कि सिलेक्शन 100% गारंटीड, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 100% सिलेक्शन दिलाऊंगा। किस प्रकार दिलाऊंगा वो पूरा आप अगले 5 मिनट में देखेंगे सब कुछ। क्लास में क्या मिलने वाला है, पूरी लाइव क्लासेस एक एक चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस इसी की लाइव की मिलेगी, क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी, बुकलेट मिलेंगी और आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं। ये सब कुछ आपको बिना कोई रुपए खर्च के मिलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। और ऐसा नहीं कि भाई हम उन टीमों की तरह है, नहीं, बस फ्री का मन में आया हम फ्री की घोषणा कर दिए। आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका एक पूरा डीप एनालिसिस कि किस चैप्टर से, ये देखो जैसे आपका टेक और एलपी वालों में बच्चों में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एनालिसिस की बात किया जाए, या फिर हम उनके सिलेबस की बात करें। एक चीज समझिएगा बच्चों, आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी तैयारी करेंगे, सब में लगभग सिलेबस आपका सेम है, थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर नीचे है। तो जब एक ही मैथ्स पूछा जा रहा है, एक ही रीजनिंग पूछा जा रहा है, एक ही साइंस पूछा जा रहा है, एक ही जीएससी के पूछा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस आखिर क्यों, और आखिर क्यों ना एक ही तैयारी में हम सारी चीज कर सकते हैं। ये चाहे आप देखोगे 35-35-50 नंबर का अगर यहां पर आरपीएफ का है, उसका देखोगे एनटीपीसी का देखोगे, यहां पे अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस देखोगे, सभी का सिलेबस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चाहे आप ग्रुप डी का देखोगे, ये सबके सब सिलेबस आपको क्या मिलेंगे, सबके सब सिलेबस एक एक शब्द सेम है, बस किसी में क्वेश्चन नंबर ज्यादा और किसी में कुछ क्वेश्चन कम आपको मिलने वाले। तो ये पूरा का पूरा जो आपका फ्री बैच है बच्चों, इसमें आपको पूरा जो द टीम है आपको कॉल करने वाली है। एक तो मैं आपको खुद मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाला हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे वो पढ़ के जान जाएंगे कि भाई ये कितना बेहतरीन आपका मैथ्स और साइंस होने वाला है। इंजीनियरिंग किए हुए आशीष सर भी आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, रमन सर और सर्वे सर आपको जीके और जीएस का कंटेंट कर रहे होंगे, और अगर रेलवे में बात किया जाए तो पूछता क्या है, मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस, और एक अतिरिक्त बोल दिया जाए टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए, एलपी वाले बच्चों के लिए साइंस। तो सारा का सारा आपका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जिसमें हम तमाम ये एनसीईआरटी भी कवर करने वाले हैं, हम लूसेंट की बुक भी कवर करने वाले हैं, हम आपके जितने भी किताबें, मतलब इस बैच से आपको कोई भी अतिरिक्त किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अतिरिक्त कंटेंट नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ आपको हम यहां पे देने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपके इस टाइम टेबल। तो टाइम टेबल मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आते हैं, जब आप फ्री बैच का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं आ जाती है, और इन चिंताओं पर हम अगले एक मिनट बात करने वाले हैं कि आपके दिमाग में पहले चिंता आती है कि क्या कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा और स्वाभाविक सी बात है, जब आप फ्री का नाम सुनते हो तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आज के जमाने में कोई यूं ही कोई चीज फ्री नहीं देता, लेकिन मैं इसके पीछे कारण बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर फ्री क्यों, तो कारण मैं आपको बता देता हूं कि टीम परीक्षा प्लस एक ऐसी टीम है जब भी किसी नए एग्जाम की तैयारी करवाती है पूरे दमखम के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ, पूरा प्रीवियस ईयर सब कुछ छान के खंगाल के उसके बाद एक डिसीजन लेती है कि भाई इस भर्ती की हम तैयारी पहली बार करवाने जा रहे हैं, और इस भर्ती के लिए हम बच्चों को क्या देंगे, तोहफा देंगे, और वो तोहफा होता है फ्री बैच का। हमने यूपी ट्रिपलएससी में स्टार्ट किया, लेखपाल का बैच फ्री कर दिया, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पुलिस में स्टार्ट किया, हमने कांस्टेबल का बैच फ्री कर दिया, हमने केबीएस में स्टार्ट कर दिया, केबीएस पीआरटी फ्री कर दिया, हमने एनवीएस एमआरएस में किया, उसमें भी बहुत सारी चीजें हमने फ्री कंटेंट दिए। तो एक परीक्षा प्लस का नाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा जगह पे फ्री कंटेंट में चला है, और रही बात विश्वास की तो आप इनमें से कोई भी कोर्स में जाके उन बच्चों से मिलिएगा, उन बच्चों से जुड़िएगा, वो आपको बोलेंगे कि हाँ ये वो टीम है, यहां के टीचर
टीचर वो टीचर है जो जो पेड क्लास में नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी आपको फ्री देते हैं। जब हम पहली बार आपको करा रहे होते हैं बेटे, तो हमारे भी क्या होते हैं, दांव लगा होता है, हमारी इज्जत दांव पे लगी होती है कि कहीं बच्चा ये ना बोल दे कि ये सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, कहीं बच्चा ये ना बोल दे कि यहाँ की क्वालिटी खराब है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक क्वालिटी आपकी बहुत बेहतरीन, आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्वालिटी होगी, सिलेक्शन दिलाने वाला कंटेंट होगा और सिलेक्शन दिलाने वाली पूरी स्ट्रेटजी होगी। तो क्या कोर्स कंप्लीट होगा? अभी तक हमने जितने भी कोर्स कराए हैं, एक एक कोर्स का इतिहास है कि शुरू से लेके जीरो से लेके और एंड तक एक एक चीज कवर कराए हैं। तो ये कोर्स भी आपका 100% कंप्लीट होने वाला है। आप अपने बड़े भाई पर को विश्वास कर सकते हो। मैं आपको अपना छोटा भाई छोटा बहन मान लिया, आप मुझे कब अपना बड़ा भाई मानोगे ये बात मुझे कमेंट करके बताओ कि मान लियो बड़ा भाई कि नहीं, और इससे आप लोग खुश हो कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं क्या बीच में पैसा लगा देंगे। आज तक इतिहास में टीम परीक्षा प्लस ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा जरूर हुआ है कि हम पेड चला के फ्री कर दे, लेकिन फ्री चला के हम पेड कभी नहीं किए, इस बात की गारंटी हमेशा रहेगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी रुपया आपका इन बैचेस के लिए कभी नहीं लिया जाएगा। आपकी तैयारी तक, आपका पेपर दिसंबर में हो, आपका पेपर अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, लगातार ये पूरी गर्मी आपको रेल कर्मी बनाने का जो हमारा वादा है उस वादे को पूरा करेंगे। और इसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। क्या इतना पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करने जाते हो और ऐसी जगह पे जुड़ते हो जहां पे आपको लगता है कि यार चीजें फ्री हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं, तो एक कंपैरिजन होता है कि पैसा लगा ले रहे हैं वहां पे पैसा है तो उनकी गंभीरता होगी, यहां पे फ्री है तो ऐसा ना हो बीच में ही छोड़ के भाग जाए या फिर कुछ भी पढ़ा दे क्वालिटी गिरा दे। तो बेटा मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि जो आप प्रीवियस में जितने भी फ्री कोर्सेस कराया हूं सबके कंटेंट जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी इसकी कितनी बेहतरीन है। दूसरी बात, मैं आपको पहले भी बोला कि इसमें हम तमाम किताबें, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी प्रीवियस ईयर किताबें हो, चाहे आपके प्रैक्टिस की किताबें हो, चाहे तमाम आपकी जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं उनके मदद लेके, और जो हमारी टीम है, हमारी एक्सपर्ट है, हमारे जो कंटेंट है, सबका मिला जुला बहुत बेहतरीन कि कम में ज्यादा आपको गागर में सागर वाला बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा और उससे आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे हाँ ना में जवाब दीजिएगा कि आपको 2000 पेज का एक कंटेंट दे दिया जाए, बोल दिया जाए इससे सारा फंस जाएगा, आप वो पढ़ना पसंद करोगे, या 200 पेज का कंटेंट दे दिया जाए, बोल दिया जाए इससे सारा फंस जाएगा, आप वो पढ़ना पसंद करोगे? आपका उत्तर होगा 200 वाला, हाँ या ना मुझे जवाब देना कमेंट में। और यही मानसिकता के साथ टीम जो आपको सिलेक्शन दिलाने का वादा करती है 100% कि आपको कम से कम में इतना बेहतरीन, ना मैं आपसे वादा करता हूं ना इतना कम होगा कि आपका कुछ छूट जाए, ना इतना ज्यादा होगा कि आपको कुछ अतिरिक्त पढ़ना पड़े, एक ऑप्टिमम लेवल पे, एक जो बोलते हैं बैलेंस, जिसे बोलते हैं कि एकदम जो बिल्कुल तैयारी करने वाला बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चा है वो भी क्लास करे तो उसे उतना समझ में आए, और जो बहुत तेज बच्चा है वो भी क्लास में बैठे तो उसके लिए भी वो क्लास उतनी महत्वपूर्ण रहे और वो भी सिलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से ले ले। क्या हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो ये तमाम जितने मैंने आपको उत्तर दिए हैं, तमाम जितने मैंने आपको बातें बोली हैं, इन सारी बातों पे आप विश्वास कर सकते हो, परीक्षा प्लस का इतिहास लगा सकते हो, परीक्षा प्लस के तमाम फ्री कोर्सेज दे सकते हो, उनके सारे बच्चों के आप रिव्यू ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, और आप टीम परीक्षा प्लस पे आप भी विश्वास कर सकते हो। जो बच्चे पहले से विश्वास करते हैं उनका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं। आपके विश्वास ना होता तो शायद परीक्षा प्लस से मैं ये चैनल परीक्षा टेक अलग ना कर पाता, रेलवे वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नई शुरुआत ना कर पाता, और यहां पे फिर से मैं फ्री कोर्स लाने का जो साहस है वो मेरे अंदर ना आ पाता। ये आपका विश्वास है, ये जो अटूट प्रेम है, ये जो आपने हमें वहां से उठा के यहां पे किया है, इसी की बदौलत हम एक बार आपको उस विश्वास उस प्रेम के बदौलत यहां पे एक एक उपहार और देने आए हैं, और वो उपहार है आपका फ्री बैच का। तो मेरे ख्याल से ये चिंताएं आपकी क्या है, इस चिंताओं से सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। अगर यहां पे फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेड कोर्स जो चल रहा है उसका क्या? बेटा पेड कोर्स में केवल ये है कि वो ऐप पे है, वहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पे सारी चीजें कॉन्सेप्ट और हर चीज बेहतरीन तरीके से, पेड की बात अलग होती है। और फ्री वाला जो है वो क्या होगा, आपका यूट्यूब पे चलेगा, टेलीग्राम पे चलेगा, वहां पे कई सारे आपको बीच में एड वगैरह डिस्टर्ब कर सकते हैं, वहां पे आपको चीजें सर्च करनी पड़ती है, हालांकि प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, बस इतना सा अंतर है, वो भी बहुत मिनिमल फीस। तो कोई बच्चा ये चाहता है कि अगर हमें सब ऑर्गेनाइज मिले तो जुड़ सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी आपको ये पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे ये अजीब मास्टर है, ये अजीब सर है कि बोल रहे हैं कि हमारा पेड बैच, मतलब बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेना है, अगर आपको लगता नहीं मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना पुट करना पड़े, तब आप जाओ, अन्यथा इसे लेने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं इसके बारे में कोई जिक्र करूंगा। ये तमाम सारी वो किताबें हैं जो आपको मिलने वाली है। और अब आती है बात कि आखिर आपकी क्लास का टाइम टेबल क्या होगा, आखिर आप जो ये कंटेंट
इवेंट मिलेगा, कहां पे मिलेगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि रेलवे फ्री बैच का जो टाइम टेबल है आपका, 9 AM पे आपकी रीजनिंग होगी, 10 बजे आपका GK GS होगा, 11 बजे मैथ्स होगा जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, 5 बजे साइंस होगा जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, और ये 4 क्लासेस आपके रेलवे एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशियंट है। मंडे से फ्राइडे हम लोग बेहतरीन क्लासेस करेंगे, सैटरडे संडे में हम लोग टेस्ट वगैरह देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, टॉपिक टेस्ट देंगे और अपना रिवीजन करेंगे, और एक बहुत बेहतरीन पूरा 7 दिन आपको कहीं ना कहीं टीम परीक्षा प्लस इंगेज रखने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराने वाली है। आपका रीजनिंग इंजीनियर आशीष सर पढ़ाएंगे, GK GS में हम मल्टीपल फैकल्टी जैसे रमन सर हैं, सर्वेश सर हैं, XSAIO ऑफिसर हैं, तो ये आपको सारी चीजें आपको GK GS में बिल्कुल रेलवे वाली GK GS देंगे। हालांकि टेक्नीशियन ALP में उतना रोल नहीं है, बट NTPC RPF में उससे कहीं ज्यादा रोल है, तो वहां पे आपको ये पूरी मदद करने वाली बैच है। मैथ में आपको इतना गारंटी देता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा मैं पढ़ के आया हूं, जो मैं करके आया, जो मैं सिलेक्शन लेके आया हूं, वो बदौलत आपको वो सारी चीजें दिलाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक, वो आपका जो सोचने का तरीका है मैथ्स, जिनको मैं ये बोलता हूं कि मैथ्स से डर लगता है, वो मैथ्स 1-2 क्लास केवल कर लीजिएगा, मैथ्स से प्यार नहीं हो जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये कॉन्फिडेंस मेरा है और मैं आपसे चाहता हूं कि सेम कॉन्फिडेंस आपका भी होना चाहिए कि आप भी अपना सिलेक्शन लेने के लिए इतने ही आतुर रहो। और साइंस की बात किया जाए तो साइंस कहीं ना कहीं मैथ या साइंस, एक इंजीनियरिंग बनने का फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है? मैथ्स और साइंस ही होता है, और मैं इतना आपसे गारंटी देता हूं, पूरा YouTube छान डालिएगा, अगर कोई बेहतर, इससे बेहतर कंटेंट हो जाएगा, यकीन मानिए आप बोलिएगा, प्रूफ दीजिएगा और मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की मैं आपसे मतलब वादा करता हूं, इसे आप में जिस शब्दों से आप बुलवाना चाहो मैं उस शब्द में बोल सकता हूं। लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते जो अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए कर सकता हूं, वो शायद इससे ज्यादा जो मेरे हाथ में, आपको पता है बच्चों की इसमें मैं 1 रुपए भी नहीं लूंगा, इसमें मेरी पूरी टीम लगी रहेगी, पूरा कंटेंट रहेगा, सब कुछ पूरा, और यह भी नहीं है कि पेपर आपका 1-2 महीने में हो जाना है, पेपर आपका अक्टूबर नवंबर में जाएगा, तो लगातार 6-7 महीने की मेहनत, और अगर एक टीम आपसे ऐसा वादा कर रही है तो जाहिर सी बात है एक अपनापन होगा, एक आपके लिए जो बोल सकते हैं आपके हितार्थ में सोचने वाली बात है, और वो सोच के साथ हम लोग यहां पे आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जान के बहुत खुश होंगे, और खुश हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी ही क्लासेस आपकी इसी चैनल पे, जो आपके साथ ही एक आपका अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जो केवल रेलवे वाले बच्चों का होगा, और जितने भी PDF मटेरियल टेस्ट सब कुछ है वो आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लगी हुई है, आप उससे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से हमारे बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको सारी चीजें फ्री में उसके PDF वगैरह मिलेंगे। तो सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो गई, अब रही बात कि आखिर इतना करने में जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो विश्वास चाहिए, जो आश्वासन चाहिए, वो सारी चीजें कहां से कलेक्ट होंगी? तो बच्चों वो होंगी आपके वादा से। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना पढ़ा दूंगा, जितना कवर करवा दूंगा, जितना कंटेंट दे दूंगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा एग्जाम में, लेकिन बदले में आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा, हां सर आप अगर दिल खोल के हम भाइयों की मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपके कदम से कदम मिलाने को तैयार हूं, मैं भी दिल खोल के मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आपसे मुझे वादा चाहिए, आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए कि जिस मैं आपसे वादा करता हूं कि भाई दिन रात में एक कर दूंगा, मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं समझूंगा, जो भी हो सकता है, जो भी किताब हो सकती है, जो भी कंटेंट हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मेरा प्रथम उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। क्या आपका भी प्रथम उद्देश्य सिलेक्शन है? और अगर है तो मुझसे वादा करिए, हां सर जितना आप कह रहे हैं उतना मैं कर लूंगा, क्योंकि बिना वादा के शायद मैं भी क्लास नहीं करवा पाऊंगा और बिना वादा के शायद आप भी क्लास कर नहीं पाओगे। तो ये जो मेरा आपका संबंध रहेगा एक वादे के साथ हम लोग सिलेक्शन लेंगे, और ये सारा गुरु दक्षिणा मैं केवल आपको एक रूप से चाहता हूं आपसे, और वो है आपका सिलेक्शन। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल एक चीज चाहिए सिलेक्शन। मैं चाहता हूं कि कल जब रेलवे में बच्चा सिलेक्ट होकर जाए तो वो बोले मैंने परीक्षा टेक से पढ़ा था, मैंने परीक्षा प्लस से पढ़ा था, मैंने आलोक सर, आशीष सर, रमन सर से पढ़ा था, और मैं जब वो सुनूंगा, जब आप अपने छोटे भाइयों को हमारे बारे में बता रहे होगे, तब शायद उससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे लिए कोई नहीं होगी, और ऐसे विश्वास के साथ हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। रही बात कि ये क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है इसी शुक्रवार से, इसी फ्राइडे से, तो फ्राइडे में आप डेट नोट कर लीजिएगा और आपकी क्लासेस क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे हम लोग, एक-एक बिल्कुल जीरो से और हीरो लेवल पे हम लोग चलेंगे। बस एक चीज की हमारी क्या है आपसे प्रॉमिस, कि मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, और आपकी प्रॉमिस चाहिए, हां सर आप जितना मेहनत करवाएंगे उतना मेहनत करने के लिए तैयार है।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो ये अपने सारे दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो, आपके साथी तैयारी कर रहे हैं तो, और आपके साथी जो आपके छोटे हैं वो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उन तक भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि मेरा जो ये प्रयास है, इस प्रयास को सफल केवल आप बना सकते हो। मेरी भी ऊर्जा तब रहेगी जब आप वो विश्वास बनाओगे, तो आप उस पर विश्वास बनाने के लिए तैयार हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लिए तो मुझे कमेंट में बताइए, और नहीं किए तो फटाक से कमेंट कर लीजिए। बाकी कमेंट में मुझे आपकी प्रॉमिस जरूर चाहिए कि हाँ सर, जितना आप कह रहे हैं उतना मैं करने को तैयार हूं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।